और अगर ये उसका हिस्सा नहीं है तो इसमें एक चीज़ ये भी देखनी है कि ये एजेंसीज उस वक्त किस हुकूमत के तहत थी। और यहाँ पे मैं सबसे पहले बेग साहब ये कहने की जसारत कर रहा हूँ और वसूख से कह रहा हूँ कि बेनज़ीर का जो कत्ल था इसमें जो परवेज मुशर्रफ की हुकूमत थी उसकी जो सिक्योरिटी फ्राहम करने के इंतजाम थे उनमें कमी का सवाल नहीं है। ये दरअसल बेनज़ीर साहिबा का प्री मेडिएटेड कत्ल था और इस प्री मेडिएटेड कत्ल में बेनज़ीर जो है परवेज मुशर्रफ और अमरीका बराह रात या बिलवास्ता उसमें शामिल थे और शामिल हैं। और आप इस चीज़ को नोट कीजिए कि इस तहकीकती कमीशन का ये चार्टर नहीं था कि वो इस चीज़ की तरफ निशानदेही कहती कि बेनज़ीर किस मुआहदे या किस अरेंजमेंट के तहत पाकिस्तान में आई, लेकिन उन्होंने खसूसी तौर पर अपनी रिपोर्ट में ये कहा कि बेनज़ीर पाकिस्तान में किसी मुआहदे के तहत वापस नहीं गई थी। और जबकि ये वाजे है कि बेनज़ीर जब वापस आई पाकिस्तान में तो वो एक यकीनन एक मुआहदे के नीचे वापस आई थी और वो मुआहदा परवेज मुशर्रफ और एक तीसरी कुवत और बेनज़ीर साहिबा के दरमियान हुआ था। और जो NRO था वो NRO भी वो एक हिस्सा था। और इस मुआहदे का जो सेंट्रल पॉइंट था वो ये था कि परवेज मुशर्रफ जो है वो मनसब सदारत पे कायम रहेंगे और उसने परवेज मुशर्रफ ने भी ये बेनज़ीर का जो एक सियासी कुव्वत थी और उस वक़्त पाकिस्तान के अंदर अदालत उज़्मा के चीफ जस्टिस की बहाली के लिए एक तारीख साज मुहिम भी शुरू हो चुकी थी, उनका वापस आने पे जो रजामंदी थी वो इसी तहत थी कि परवेज मुशर्रफ सदारत के अहदे पे कायम रहेंगे। चूँकि अमरीका के लिए इन हालात में जबकि वो अफगानिस्तान से नेटो फोर्सेस और उसने खुद वापस जाने का प्रोग्राम शेड्यूल दिया हुआ है उस नज़रिए से भी और इस खत्ते में उसके बाद उसने अपनी जिस अमली पे अमल दरामद शुरू किया हुआ है और उसको वो पाया तकमील तक कम से कम साहब मुझे एक ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, आप हमारे साथ रहिएगा नाज़रीन एक छोटे से ब्रेक की तरफ। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक पे जाने पहले गुफ्तगू हो रही थी अक़वाम मुत्तहदा की तहकीकाती कमीशन की जो जारी करदा रिपोर्ट है जो इस वक्त जो है पूरे पाकिस्तान में जिस तबसरे हो रहे हैं। आगा मसूद साहब, ब्रिगेडियर साहब कह रहे हैं कि उनको कोई मैंडेट नहीं था कि वो इस तरह की चीज़ मैंशन करते कि जनाब मुआहदा करके आई हैं या मुआहदा करके नहीं आई हैं। अगर आपने रिपोर्ट पढ़ी होगी तो इसमें एक जगह उन्होंने ये मैंशन किया है कि UK का और USA का एक मुआहदा था जिसके तहत आई, बिल्कुल सही कह रहे हैं। फिर एक जगह उन्होंने ये भी कहा कि जनाब कोई नहीं था, बिल्कुल मुआहदा नहीं था। तो आप किस तरह देखते हैं, आप सोचते हैं कि इन्होंने अपने मैंडेट से तजावज़ किया है क्या इस रिपोर्ट में? देखिए मैं आपको बताऊं, देखिए मैं आपकी खिदमत दर्ज कर रहा हूं, ये एक बड़ा अहम मसला है। अक़वाम मुत्तहदा की रिपोर्ट में बड़ी जगह जगह कॉन्ट्रडिक्शन है। एक जगह उन्होंने लिखा कि जितने भी ये खुफिया इदारे हैं मिसाल तौर पर ISI है, IBA, MI है ना, उनका नाम लिए बगैर कहा, ISI का नाम लिया कि हमें एक्सेस नहीं दिया। अच्छा किस किस्म एक्सेस देते, उस ज़माने में तो परवेज़ कियानी साहब जो थे वो तो ISI के सरबराह थे, तो और आज वो पाकिस्तान की बर्री फौज के सरबराह हैं। तो क्या अक़वाम मुत्तहदा के ये लोग के जिनके बारे में हमें नहीं मालूम कि इनका पस मंज़र क्या है, जो जो अखबार में आता है उस पस मंज़र से ज़्यादा आप नतीजे पर नहीं पहुंच सकते, तो क्यों ये परवेज़ कियानी से जाके बात करते हैं, किस मैंडेट के तहत बात करते हैं? इनका तो ये था कि फैक्ट फाइंडिंग, मैं आपको बताऊँ सफर फाइंडिंग सुनिए। देखिए बेगदाब, देखिए आप, आपने पूछा कि इसमें मुशर्रफ साहब कितने इन्वॉल्व हैं, नाहिद अब्बासी और सेनेटर सफदर अब्बासी पूरे दुनिया में पूरे पाकिस्तान में ये कह रहे हैं कि जिन्होंने बेनज़ीर को कत्ल किया वो हुकूमत में बैठे हुए हैं। दे हैव सेड मैनी टाइम्स, दिस नॉट द फर्स्ट टाइम दैट दे हैव सेड के मैनी टाइम कि जिन्होंने बेनज़ीर को कत्ल किया है वो बैठे हुए हैं। और उन्होंने कहा कि सिक्योरिटी का, ये मैं आपसे बता रहा हूँ, मेरे साथ भी एक प्रोग्राम में थे, उन्होंने कहा कि सिक्योरिटी का पीपल्स पार्टी की सिक्योरिटी की सारी जिम्मेदारी रहमान मलिक पर थी और वो 4 फिट के फासले से गाड़ी में बैठे हुए थे और जा रहे थे। फिर क्या हुआ, बेनज़ीर भुट्टो साहब का आप कहते हैं कि पोस्टमार्टम नहीं हुआ, मैं कहता हूं कि मैं चैलेंज करता हूं वो पोस्टमार्टम हुआ, उनका उनका दिल निकाला गया और उसको पंप किया गया
तो मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि देखिए वो तो आर्टिफिशियल तरीके से आप ब्रीथिंग के लिए उन्होंने किया होगा, देखिए ब्रीथिंग पोस्टमार्टम क्योंकि रिपोर्ट में ही आया है कि उनका पोस्टमार्टम जो था मैं आपको पोस्टमार्टम के कई तरीके हैं, देखिए पोस्टमार्टम के कई तरीके हैं देख साहब, एक तो ये है कि आप पूरी बॉडी को खोल लें, है ना, आप ब्रेन खोलें और उसके बाद ये है कि आप जहाँ पे चोट लगी है वहाँ के आप नजरियाज करें, ये पूरा सीना खोला गया और उनको बाकायदा उसको पंप करने की कोशिश की उनके हार्ट को। मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि देखिए वो सिक्योरिटी लैब्स चलिए है हुकूमत की लैब्स से किस पर इल्ज़ाम लगेंगे, चलिए मैं आप एक सवाल आपसे करता हूँ कि चलिए सिक्योरिटी लैब्स से बिल्कुल वो शहीद हो गए, फिर इल्ज़ाम किस पर लगेंगे? नाहिद अब्बासी और सेनेटर अब्बासी तो कह रहे हैं कि जिन्होंने कत्ल किया वो तो हुकूमत में बैठे हुए हैं, फिर शहनशाह खालिद कौन था, हु वॉज द पर्सन, वेर इज डिसअपियर्ड, ही वॉज किल्ड ब्रूटली, ही वॉज किल्ड इन कराची, फिर वो कौन थे, उसका भी कोई जिक्र नहीं आया है। हाँ तो मैं ही बता रहा हूँ, ब्रिगेडियर साहब हम आपकी तरफ आते हैं, आईएसआई के साबिक सरबरा हमीद गुल साहब का कहना है कि इस रिपोर्ट में अक्वाम मुत्तहदा ने अपने आप को मुतनाज़ा बना दिया है इस रिपोर्ट से, जैसे अभी आगा मसूद साहब ने कहा कि ना इसमें ब्लैक वाटर का कोई जिक्र किया है, आपको पता है कि वो ब्लैक वाटर जो है उस वक्त भी मौजूद थे और इस्लामाबाद में दंदनाते फिर रहे थे, खालिद शहनशाह के बारे में भी मतलब जो है कोई जिक्र नहीं किया इसके अंदर, बल्कि वो तो यहाँ तक कहते हैं कि बेनज़ीर साहिबा जो थी उनके कत्ल से कबल अमरीकी एजेंडे से हट चुकी थी, यानी कि अमेरिका से उनकी जो अंडरस्टैंडिंग थी वो ख़त्म हो गई थी, और वो कह रहे हैं कि इसमें ना तालिबान इन्वॉल्व है ना इसमें अलकायदा इन्वॉल्व है, बल्कि इसमें वो यहाँ तक कहते हैं कि अमरीकी हाथ भी हो सकता है। आप खुद आईएसआई के अंदर रहें, आईबी में रहें, आप सोचते हैं कि इसके अंदर इस तरह की अमेरिकन हाथ जो है उनके कत्ल में हो सकता है? इश्तियाक साहब मैं ये कहूँगा कि जो ये तहकीकती रिपोर्ट है इसमें तजाद नहीं है, लेकिन बल्कि जो तजाजात पैदा किए गए हैं वो मोटिवेटेड तजाद है। पहली बात यह है कि ये जो बात आपने या हमीद गुल साहब ने की है ये बिल्कुल वाज़ह है और मैं इस पर कायम, मेरा भी यही मौक़िफ़ है कि जहाँ उन्होंने हकीमुल्ला मसूद और बाकी इत्तेहादी तंजीमों का जिक्र किया है, क्या उनको ये इल्म नहीं था कि उस वक़्त पाकिस्तान के अंदर ब्लैक वाटर्स दंदनाते फिर रहे थे, पूरी कौम इस चीज़ के ऊपर शोर मचा रही थी, और जो ब्लैक वाटर्स हैं उनके बदनाम जमान दुनिया वो एक तंजीम है जो इस किस्म के जुर्म करने में माहिर थी, उसका कोई जिक्र नहीं है। नंबर दो ये है कि उन्होंने आपने जैसे कहा कि शहनशाह के मर्डर का कोई जिक्र नहीं किया। तीसरी चीज़ ये है कि जब वो ये कहते हैं कि तफ्तीशी अफसर सऊद से जब उन्होंने बात की तो उनकी बातों से उनको ये तासर मिला कि जो तफ्तीशी अफसर थे उनके वो मिशन ओरिएंटेड सीरियसली और पेशावराना अंदाज में तफ्तीश बिल्कुल नहीं कर रहे थे, बल्कि वो गैर संजीदा तफ्तीश कर रहे थे। तो दूसरी चीज़ ये कि उनके ऊपर एक खौफ तारी था, और वो खौफ किसका तारी था? उनके ऊपर नंबर वन ये सवाल उनको क्लियर करना चाहिए था कि तफ्तीश को कौन इंटरफेयर कर रहा था, तफ्तीश को सही सिमत में जाने से कौन रोक रहा था। दूसरी चीज़ ये सवाल पैदा होता है कि जो तहकीकाती टीम थी उसकी जो ये जाय वकुआ को जो क्लियर किया गया और शहादतों को इकट्ठा करने से पहले साहब उसमें भी सऊद अजीज साहब का नाम आता है कि शायद उनकी इजाज़त से और उनको भी कहीं से इंस्ट्रक्शन मिली थी जिसके बाद जो है उस जगह को धोया गया। अब आपकी तरफ आते हैं आगा मसूद साहब कि जिन लोगों पे मुशरफ की अब हम बात नहीं कर रहे हैं और इसके अलावा यूनाइटेड नेशन की जो रिपोर्ट के अंदर जिन लोगों पर अपने फ़र्ज से कोताही का मरतब पाया गया उसके अंदर सऊद अजीज का जो है नाम आ रहा है, अपनी मर्जी से उन्होंने इस जगह को करवा दिया, पोस्टमार्टम के लिए भी वो कह रहे हैं कि उन्होंने जो था वो मना किया था, हालांकि जरदारी साहब तो 7-8 घंटे बाद आए थे, उससे पहले का पोस्टमार्टम था वो हो सकता था। कमाल शाह का भी नाम आ रहा है। अब जबकि कोर कमेटी ने ये सिफारिश की है कि तमाम लोग, क्योंकि अगर पीपल्स पार्टी इन लोगों पर नहीं चलाती है मुकदमा या दायरा अख्तियार अपना नहीं इनको उसके अंदर लेती है, तो आप डोंट यू थिंक कि उनके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर आएगा? देखिए एक तो ये कि इस वाक़े को 2-2.5 साल हो गए, ठीक है, अगर वाकई ये लोग संजीदा, देखिए मैं तो कहता हूँ कि तीन रिपोर्टें आ चुकी हैं, एक तो खुद हुकूमत वक्त की रिपोर्ट उस वक्त आई और महसूद पे इल्ज़ाम लगा कि उसने उनको कत्ल किया है, फिर इसके बाद रिपोर्ट स्कॉटलैंड की आई, फिर इसके बाद ये रिपोर्ट आई जिस पर हम और आप बहस कर रहे हैं। मैं ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि आप जो कोर कमेटी का इजलास हुआ